YouTube channel. Today we will learn to construct a triangle with two sides and the included angle given. जब भी किसी ट्रायंगल को हमें कंस्ट्रक्ट करना हो और उसके टू साइड्स का लेंथ और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दिया गया हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं. लेट अस डू वर्कशीट टू. यहाँ पे सपोज आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ट्रायंगल बनाना है. ट्रायंगल ए ओ बी, ओके, ए ओ बी, वेयर ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 50 डिग्री. अब ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो इसको कैसे करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओ बी ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. सबसे पहले एक स्केल रखेंगे और हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ओ बी ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. जीरो से स्टार्ट करते हुए 4.5 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, दैट इज ओ बी. ओ बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ओके. अब एट द पॉइंट ओ, 50 डिग्री का एंगल हम कंपास से नहीं बना सकते हैं. एट द पॉइंट ओ वी विल कीप द प्रोटेक्टर लाइक दिस. इस तरह से प्रोटेक्टर को रखेंगे, अरेंज करेंगे और हम एक 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे पॉइंट ओ पर. ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री का हम एक एंगल बना देंगे. Let us make it clear. अब इस पर हम एक 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 50 डिग्री का एंगल. ये हमने बना लिया एंगल ऑफ 50 डिग्री, ओके. नाउ विथ ओ एस सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, विथ ओ एस सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर वी मेक एन आर्क. अब स्केल को रखकर मेजर करेंगे हम 5 सेंटीमीटर इन दिस वे और ओ को सेंटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक आर्क बनाएंगे. नेम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए, नेम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए एंड द नेक्स्ट स्टेप इज जॉइन ए बी. जॉइन ए बी, ए बी को जॉइन कर देंगे इस तरह से स्केल को रखते हुए. आप ये सारे कंस्ट्रक्शंस पेंसिल से करेंगे. सो ए ओ बी, दिस ट्रायंगल ए ओ बी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, 4.5 सेंटीमीटर एंड हियर इट इज 5 सेंटीमीटर. इन दिस वे दिस ट्रायंगल इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. Let us see that draw a triangle ABC in which angle A equal to 120 degree. This way, okay. और angle A equal to 120 degree. तो ये जो angle A होगा ये 120 degree का होगा. And AB equal to AC equal to 3 centimeter. AB and AC 3 centimeter के होंगे. ओके, ये है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल का रफ डायग्राम. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 3 सेंटीमीटर. कीप द स्केल एंड ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 3 सेंटीमीटर. स्केल रखेंगे और 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ओके. ये बहुत छोटा हो जा रहा है, लेट अस टेक मी इंच. आप सेंटीमीटर में ही बनाइएगा, आपको नजर है इसलिए हम इंच ले रहे हैं. 3 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे इस तरह से, ओके. एंड नेम इट ए बी, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. एट ए
ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री एट द पॉइंट ए. ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री यूजिंग कंपास एंड स्केल. ओके, यहाँ से फर्स्ट कट होता है 60 डिग्री का और सेकेंड कट होता है 120 डिग्री का. मैंने आपको यह बनाना अपने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है. तो हम इसको जॉइन कर देंगे. दिस इज 120 डिग्री, इसको जॉइन करके हमने एक्सटेंड कर दिया. नाउ दिस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री. ओके, अब आपको करना क्या है, वी हैव टू मेजर 3 इंच अगेन, 3 सेंटीमीटर अगेन फॉर यू, एंड देन विथ ए एस सेंटर मेक अनदर आर्क. ए को सेंटर लेते हुए और 3 सेंटीमीटर रेडियस रखते हुए, ए को सेंटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस आप इस पे मेजर कर लीजिए स्केल पे, और उसके बाद ए को सेंटर बनाकर और 3 सेंटीमीटर के रेडियस का आप एक आर्क कट करेंगे. एंड नेम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी. इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम हम रखेंगे सी. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज जॉइन बी सी. जॉइन बी सी इन दिस वे वी कैन जॉइन बी सी. सो ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. अब क्या करना है, आपको एंगल ए का बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है. तो आप क्या करेंगे, एंगल बनाने के लिए आर्क तो हमने पहले से बनाया था. इन दोनों पॉइंट्स से हम इक्वल रेडियस से आर्क बनाएंगे इस तरह से, बाइसेक्ट एंगल ए. एंगल ए को बाइसेक्ट कर देंगे इन दिस वे. Draw the angle bisector of A. Now the required condition is completed. This is your question number 2. Now let us do another question. Construct a triangle PQR in which PR equal to 5.6 centimeter, QR equal to 3 centimeter and angle R equal to 50 degree. So let us draw the rough diagram. Suppose we draw a triangle like this, triangle PQR. QR equal to 3 centimeter, PR equal to 5.6 centimeter. And angle R equal to 50 degree. So let us draw it. First step is we have to draw a line segment of 3 centimeter. आप एक line segment बनाएंगे 3 centimeter का. मैं inch use कर रही हूँ so that आपको ये diagram थोड़ा सा बड़ा दिखे. आप centimeter use करेंगे, आप अपनी copy में बनाएंगे. So a line segment of 3 centimeter. QR. Line segment, draw a line segment QR of 3 centimeter. At the point R, draw an angle of 50 degree. At the point R, arrange the protractor like this. Or hum yahan se 0 se start karenge. This is 50 degree. At the point R, draw an angle of 50 डिग्री. आर पे एक 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे लाइक दिस. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ एन आर्क पी आर. आपको पी आर लेना है 5.6 सेंटीमीटर का. तो विथ द स्केल मेजर 5.6. ओके, इसमें हम 5.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे और एक आर्क कट करेंगे. हमें लगता है थोड़ा हमें और इसको बड़ा करना पड़ेगा. सो एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट
लाइक दिस, और यहाँ से विद आर एस सेंटर एंड रेडियस 5.6 सेंटीमीटर मेक एन आर्क, इस तरह से आप आर्क बनाएंगे. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज जॉइन, नेम इट पी एंड जॉइन पी क्यू, जॉइन पी क्यू. PQ को ज्वाइन कर दीजिए. इन दिस वे दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. QR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 50 डिग्री. दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल.